आज हम डायरेक्ट इन डायरेक्ट के कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे तो आज का फर्स्ट सेंटेंस है सुमित सेड आई गॉट अ न्यू जॉब तो सबसे पहले हमें टेंस रिकॉग्नाइज करना होता है तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और गॉट है तो उससे ये पता चलता है गॉट सेकेंड फॉर्म है इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है जिसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और यदि डिड नहीं यूज़ होता है तब फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है तो देखिए आप साथ में टेंस भी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो उस पर भी ध्यान दीजिए अब ये सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है जिसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो चलिए अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा सुमित सेट अब दैट से ज्वाइन करेंगे क्योंकि आई गॉट अ न्यू जॉब डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो सुमित सेट दैट ही हैड गॉट तो हैड हो जाएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है और गेट गॉट गॉटन या गेट गॉट 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 थर्ड फॉर्म भी होता है गॉटन भी थर्ड फॉर्म होता है गॉटन अमेरिकन इंग्लिश में थर्ड फॉर्म होता है तो फाइनल सेंटेंस हो जाएगा सुमित सेट दैट ही हैड गॉट अ न्यू जॉब और गॉटन अ न्यू जॉब तो चलिए इसी टेंस के एक और सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस है ही सेड आई वर्कड हार्ड फॉर माई फैमिली तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड वर्कड हार्ड फॉर हिज़ फैमिली तो प्रोनाउन आई की जगह ही हो जाएगा माई की जगह हिज हो जाएगा तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस करते रहिए कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसी तरह और प्रैक्टिस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए